हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम ऑन दिस चैनल। आज जो हम प्रोनाउन का एक अगला पार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इसके बाद दो प्रोनाउन और रह जाएंगे, एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और फिर आपके रिलेटिव प्रोनाउन। तो अभी आप ये जान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सबसे पहले क्या होते हैं। देख लीजिए, लिखा हुआ है कि द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू डिनोट पर्सन्स और थिंग्स of a group separately, not collectively। देख लिए होंगे क्या है इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे प्रोनाउन जिसका यूज किसी पर्सन या कोई सी चीज किसी चीज को एक ग्रुप में अलग करके यूज किया जाता है, मतलब किसी ग्रुप में अलग करके यूज किया जाता है, मतलब एक साथ नहीं लिया जाता है, अलग अलग करके। अलग भी रहता है, अलग तो रहता है लेकिन उसका भी ग्रुप रहता है, मतलब सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं होती है, कलेक्टिवली नहीं होती है, नॉट कलेक्टिवली, ठीक है। तो एक अलग ग्रुप बनता है सेपरेट, और कलेक्टिव नहीं होता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूट से निकला हुआ वर्ड है। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होते हैं बांटना सभी को। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग योर फ्रेंड्स, मतलब इन मिठाइयों को क्या करो, अपने दोस्तों में बांट दो। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट जो है आपका वो एक वर्ब है और डिस्ट्रीब्यूटिव एक आपका एडजेक्टिव है। तो यही डिफरेंस है दोनों में, डिस्ट्रीब्यूट में और डिस्ट्रीब्यूटिव में, ठीक है। इसके बाद है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो विभाग सूचक। विभाग जानते ही, अलग अलग भाग बनाना, तो इसे कहा गया है विभाग सूचक सर्वनाम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम आगे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कराने से पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या इंडेफिनिट प्रोनाउन सब जो होते हैं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन तो बहुत ही उतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि उसमें आपको पता है कि सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जिसके साथ सिंगुलर वर्ब्स भी आते हैं और प्लूरल वर्ब्स भी आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सीखने होंगे कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, सिंगुलर और प्लूरल, वैसे ये वर्ब के चैप्टर में मैं बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा कि ये वर्ब क्या होते हैं। इसमें आपको हम एक समरी के टाइप में बता देते हैं कि ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या होते हैं। एक्चुअली में होते क्या है कि वर्ब के अलग अलग टाइप्स होते हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं। जब आप एडवांस ग्रामर में जाएंगे तो बहुत सारे वर्ब्स आपको मिलेंगे, जैसे कि नॉन फिनाइट वर्ब होते हैं, फिनाइट वर्ब होते हैं, प्राइमरी वर्ब्स होते हैं। तो ये सब प्राइमरी वर्ब्स जो होते हैं वो हम बिगिनर्स के क्लासेस में पढ़ते हैं जब हम छोटे छोटे क्लासेस में होते हैं, ठीक है। देखिए, सिंगुलर जो होते हैं आपके हेल्पिंग में वो होते हैं इज, एक के लिए यूज होते हैं तो सिंगुलर है। प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं तो प्लूरल में हो जाएंगे आपके आर। फिर सिमिलर में अगर हम यूज करेंगे तो इसके हो जाएंगे हैज, इसमें करेंगे तो हो जाएंगे हैव, ठीक है। ये सिमिलर और प्लूरल है, ये हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं। अब है मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब में ही दो तरह के वर्ब होते हैं, इसको ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रेंसिटिव वर्ब कहा जाता है, मीन्स सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देखिए, जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं टोटल ए टू जेड, जितने भी आपको मेन वर्ब्स मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं स्लीप, गो, थिंक, जितने भी ये हैं जो हमने अभी लिखा, स्लीप, गो, थिंक, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, लेकिन जब हम इसमें एस और ई एस का यूज करते हैं तो ये सिंगुलर बन जाते हैं। यही मेन वर्ब की पहचान होती है, ये नाउन का सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का उल्टा होता है। फॉर एग्जांपल, नाउन में अगर हम बुक नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, अगर हम इसमें आपको एस लगा दें तो ये प्लूरल बन जाता है, लेकिन ये वर्ब जो है ऑलरेडी प्लूरल है। ये वर्ब क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है, प्लूरल में इसको रखेंगे वर्ब को, स्लीप प्लूरल है, अगर हम इसमें एस और यस लगाएंगे तब ये सिंगुलर बनेगा, ये अब सिंगुलर बना जाएगा, ये फर्क होता है, ठीक है।
एक चीज़ और है मेन वर्ब को जानने का कि हिंदी में जिसके लास्ट में ना होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए स्लीप का हो जाएगा सोना, लास्ट में ना हो गया। गो का जाना, लास्ट में क्या हो गया? ना हो गया। थिंक का सोचना, लास्ट में क्या हो गया? ना हो गया। तो खास करके ज़्यादातर इसके लास्ट में ना होते हैं, ये होते हैं मेन वर्ब की पहचान, इससे आप मेन वर्ब की पहचान कर सकते हैं। जब आप टेंसेस को स्टडी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो वर्ब को देख के ही टेंस आसानी से पकड़ में आ जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जितने भी लिखे हुए हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सम, एनी, ऑल, बोथ, नन, ये जितने भी हैं टोटल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो चार प्रोनाउन है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव, ये ज़्यादातर बुक्स में आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे क्लासेस में भी ज़्यादातर ये चार ही प्रोनाउंस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी प्रोनाउंस हैं, जैसे कि इसमें फ्यू भी आ सकते हैं, एफ ई डब्ल्यू फ्यू, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मिल करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाते हैं। अब इसमें है क्या, ज़्यादातर जगह कन्फ्यूज़न क्या होती है ईच और एवरी में, ईच और एवरी में इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि कहाँ पे हम इसका यूज़ करें। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ईच और एवरी आपका है क्या। ठीक है, देखिए ईच का जो यूज किया जाता है, सपोज़ करिए कि ये आपका एक बैठने वाला चटाई है, ये चटाई है, मैट है ये। ठीक है, इस पे यहाँ आदमी बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, हर जगह। मैंने कहा कि जाओ और सभी को जो है हाथ में एक एक पुस्तक दे दो, एक एक किताब दे दो, सभी के हाथ में दे दो। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि हम एक एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ईच का यूज़ होगा, यहाँ पे एवरी नहीं आएगा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ भी मैट है और यहाँ भी मैट है, सेम पर्सन बैठे हुए हैं सब पे पर्सन बैठे, यहाँ भी मैट है, तीनों जगह सारे ऐसे ही बहुत सारे मैट बन जाएंगे, सब पे पर्सन बैठे हुए। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे, अगर हम एक एक के अर्थ में लेंगे कि ईच मैट को दो, मतलब ईच मैट का मतलब हुआ कि हर एक जितने मैट पे हैं सबको दो, लेकिन यहां पर मैं क्या बोलेंगे कि एवरी यहां पे मैट्स हो जाएंगे, क्योंकि सारे मैट जो है यहां पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से एक चीज देखना पड़ेगा आपको कि जब हम इसमें एक एक की बात करेंगे इसके अंदर वाले, तब हम ईच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम सभी को एक ग्रुप के रूप में बात करेंगे, ठीक है, तब हम एवरी का यूज करेंगे। ठीक है, एवरी पर्सन ऑन द मैट ऐसे लिख सकते हैं, एवरी पर्सन ऑन द मैट। ठीक है, मतलब मैट में जो है हर एक आदमी है वो एवरी पर्सन। ठीक है, दूसरा बात है कि एक चीज़ अगर कभी गलती से बोला भी जाता है, मेरे से भी कई बार हो जाता है और आप सबसे भी होता होगा, कि एवरी के बाद हम कौन सा नाउन को यूज़ करें, सिंगुलर करें या प्लूरल करें। याद रखिएगा, जब भी आप ईच और एवरी के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग करेंगे तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हट करके डिस्ट्रीब्यूटिव आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं रह पाएगा ऐसी स्थिति में। ठीक है, तो चलिए जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव आपको एडजेक्टिव में बताएंगे तब आपको बहुत ही क्लियर करके इसके बारे में आपको बता देंगे। तो अभी आपने देखा कि ईच और एवरी का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बोलेंगे कि एवरी का अर्थ में, तो एवरी का मैंने बताया था एवरी वन ऑफ का मतलब हुआ कि इसमें से जितने भी बैठे हैं उनमें से सभी को एक ग्रुप में ले लिया। ठीक है, इस तरह से लिया है। अगर हम लेते हैं ईच ऑफ अस या ईच ऑफ देम, मतलब ये देम ही तो है, सारे आदमी ही तो बैठा है यहाँ पे, है ना, तो इसका मतलब होता है उसमें से एक एक करके, एक एक को निकाल करके उसको कहा जाता है ईच ऑफ देम।
एवरी वन ऑफ देम हो सकता है, एवरी वन ऑफ अस हो सकता है अगर ईच ऑफ अस, लेकिन एवरी वन ऑफ अस का मतलब हुआ कि हम में से सभी हो गया। इसका मतलब एक एक करके नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है हम में से सभी एक ही बार में सबको ग्रुप में ले लिया, बस इतना ही अंतर है। ईच का मतलब एक एक करके और एवरी का मतलब सभी को एक साथ हमने यूज कर लिया। अब जो है आगे चलते हैं, देखिए ये मैंने सामने लिख दिया है सिंगुलर और प्लूरल, ये वर्ब लिखा है कि किसके साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, सिंगुलर वर्ब किसके साथ यूज होता है, प्लूरल किसके साथ यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर दो का मैंने नहीं लिखा है, आइदर ऑफ देम और नाइदर ऑफ देम, तो इन दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, दोनों के साथ ही सिंगुलर वर्ब, दोनों के साथ ही, इसके साथ भी सिंगुलर और इसके साथ भी सिंगुलर, दोनों के साथ ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम बता देते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कैसे क्या है इसमें। देखिए यहां पे है कि ईच ऑफ अस, इसका अर्थ है हम में से एक एक करके प्रत्येक, हम में से प्रत्येक लेकिन एक एक करके, इसका अर्थ है एवरी या एवरी वन ऑफ अस, मतलब हम में से प्रत्येक, या तो एवरी ऑफ अस बोल लीजिए या एवरी वन ऑफ अस बोल लीजिए, मीनिंग आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो ईच ऑफ अस, अब कह रहा है कि सिमिलर वर्ब का यूज होते हैं, तो कैसे हम जाने कि सिमिलर वर्ब, अभी मैंने समझाया था आपको सिमिलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में क्या अंतर है। देखिए अगर हम बोलते हैं ईच ऑफ अस वॉज प्रेजेंट देयर, तो इस सेंटेंस को लिखने से पता चल गया कि हमने इसको सिंगुलर में यूज किया है या प्लूरल में। यहां पे वॉज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, एस भी लिख दिया, मतलब शॉर्ट में सिंगुलर वर्ब मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगुलर वर्ब। इसके बाद है आपका अगर प्लूरल वर्ब होगा तो क्या होगा, ये वॉज की जगह पर वर्ब हो जाएगा, वर्ब जो है प्लूरल वर्ब में यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर तो ईच ऑफ अस लिख रखे हैं कि सिंगुलर वर्ब में यूज होते हैं, तो इसका मतलब यहां पे है कि हम में से एक एक करके प्रत्येक वहां पे उपस्थित थे, ईच ऑफ अस वॉज प्रेजेंट देयर। अब इसी तरीके से एवरी वन ऑफ अस हो जाएगा, या तो आप इसको लिख लीजिए एवरी ऑफ अस, या लिख सकते हैं आप एवरी वन ऑफ अस, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। या तो ईच ऑफ अस लिख लीजिए या तो एवरी वन ऑफ अस, कोई भी लिख सकते हैं। अब आगे है नेक्स्ट, आइदर ऑफ देम और नाइदर ऑफ देम, ध्यान दीजिएगा कि आइदर का यूज दो में से एक के लिए किया जाता है और सिमिलर वर्ब इसके साथ भी यूज होते हैं, ठीक है। देखिए यहां लिख दिया है सिमिलर वर्ब, तो आइदर ऑफ देम, ठीक है, आइदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट देयर। मैं सिंपल रिपीटेड सेंटेंस लेता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है, नया कोई नहीं ले रहा हूं इसमें। मतलब आप दोनों में से कोई एक, आइदर मतलब कोई एक, आप दोनों में से कोई एक, ध्यान दीजिएगा आप दोनों में से कोई एक का यहां बात हो रहा है, ठीक है, वहां पे उपस्थित थे, तो आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं उन दोनों में से, या उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक, लेकिन उनमें से भी लेंगे तो उन दोनों में से ही आएगा, क्योंकि आइदर का यूज दो में से एक कप के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आइदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट देयर। अब इसी तरीके से नाइदर लगा देंगे यहां पे, नाइदर ऑफ देम Neither of them हो जाएंगे, तो neither of them was present there, मतलब उनमें से कोई भी वहां उपस्थित नहीं था, neither of them was present there, ठीक है। तो यहां पे मैंने देखा कि इन दोनों के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का हमने यूज किया। neither का मीनिंग होते हैं दोनों में से कोई नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। अब अगर दोनों के लिए यूज करना हो तो क्या होगा, तो ये यहां पे लिखा हुआ है both of us, ठीक है। तो यहां पे अगर दोनों के लिए यूज करना है तो आपको both लगाना है, ठीक है, both, both, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ध्यान दीजिए प्लूरल वर्ब मैंने लिखा है, तो यहां पे हो जाएंगे
वर, वर होता है प्लुरल। देखिए प्लुरल वर्ब में कुछ भी लिख सकते हैं, बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट देयर, या ये भी लिख सकते हैं बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट देयर, बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट देयर। ठीक है, इससे भी पता लग जाएगा कि आप प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं, या कोई भी मेन वर्ब ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल बोथ ऑफ देम स्पीक इंग्लिश देयर, बोथ ऑफ देम स्लीप देयर, बोथ ऑफ देम टॉक टू ईच अदर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका जो नेक्स्ट है वो है सम ऑफ अस यू एटसेट्रा। ठीक है, देखिए यहां पे आपको एक चीज हम बताते हैं, देखिए क्या चीज बताते हैं। सबसे पहला चीज जो शुरू में मैंने नहीं बताया, देखिए यहां बता दे रहा हूं, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है जब ऑफ बीच में आ जाता है, ये प्रीपोजिशन है, यही डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ईच एवरी आइदर नाइदर, तो इस साइड आता है, इस साइड में आ गए, ईच कोई भी ले लो, ईच एवरी आइदर नाइदर कुछ भी ले लो आप, ठीक है, जितने भी है, ऑल बोथ एनी सम कोई भी, ठीक है। लेकिन इस साइड जो आता है ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। देखिए कैसे, यहां पे हमने लिखा आइदर ऑफ यू, आप कहेंगे यू तो ऑब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए कैसे, मैंने यहां पे लिखा एनी ऑफ अस, क्या अस ऑब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल है ऑब्जेक्टिव केस, क्यों है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा मेरा पर्सनल प्रोनाउन वाला वीडियो, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसमें आप देखना कि जो यू होते हैं यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होते हैं, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नाम है, कोई भी नाम, किसी का भी नाम, ठीक है, या कोई नाउन है, तो क्या ऑब्जेक्टिव केस उसका बन सकता है? अगर नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनेगा, वहीं का वहीं रहेगा जो लिखा जाता है। लेकिन अगर उस नाउन को दोबारा रिपीट किया जाता है सेंटेंस में, दूसरा सेंटेंस में उसको रिपीट किया जा रहा है, पहला सेंटेंस में ना रिपीट करके, तो उसके बदले देम का यूज़ किया जाता है प्लुरल में, और सिमिलर में ही हिम और हर का यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। निर्जीव चीज़ों के लिए इट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ पर मैं मोहन रहेगा तो यहाँ भी मोहन ही रहेगा, यहां पर मैं माय फ्रेंड्स रहेगा तो यहां भी ऑब्जेक्टिव केस है, माय फ्रेंड्स ही रहेगा, माय फ्रेंड्स ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, ये सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। अब देखिए यहां पे एनी ऑफ अस, एनी ऑफ माय फ्रेंड्स प्लुरल में आएगा, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर में ये नहीं रहेगा, एनी ऑफ माय फ्रेंड्स, मतलब हमारे मेरे दोस्तों में से कोई, कोई की बात हो रही है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एनी का यूज़ कुछ के अर्थ में, सम के अर्थ में भी किया जाता है, तो अगर एनी का मीनिंग सम के अर्थ में किया जाता है तो प्लुरल वर्ब का यूज़ करेंगे, अगर एनी का अर्थ कोई एक के लिए रूप में यूज़ किया जाता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अधिकतर ज़्यादातर जगहों पे एनी वन या एनी के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ ज़्यादातर जगहों पे होता है, बहुत ऐसा कम जगह है जहाँ पर में कि प्लुरल वर्ब का यूज़ हम करते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ के अर्थ में हमारे पास सम तो है ही है, तो हमें एनी को उठाने की क्या ज़रूरत है, सम ऑफ अस, सम ऑफ यू, सम ऑफ देम। तो ध्यान रखिएगा इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ देम लिखेंगे, सम ऑफ अस लिखेंगे, सम ऑफ यू लिखेंगे, सम ऑफ योर फ्रेंड्स लिखेंगे, सम ऑफ माई फ्रेंड्स लिखेंगे, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स लिखेंगे, लेकिन ये जो नाउन है आगे जाके ये हमेशा प्लुरल में रहेगा, ये वाला नाउन, ये फ्रेंड में एस और यस यूज करेंगे प्लुरल बनाने के लिए, हमेशा प्लुरल रहेगा, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा कि ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे क्या है, आगे है आपका एनी ऑफ अस,
तो अभी मैंने बता दिया था कि एनी का यूज़ कैसे करते हैं। सम ऑफ अस का भी बता दिया, चलिए फिर से बता देते हैं। सम ऑफ अस मतलब हम में से कुछ, सम ऑफ यू मीनिंग तुम में से कुछ, सम ऑफ देम मीन्स उन में से कुछ, उन लोगों में से मतलब उनमें से कुछ, ठीक है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स मीन्स मेरे दोस्तों में से कुछ। एनी ऑफ अस या एनी वन, एनी या एनी वन कुछ कुछ भी लिख सकते हैं, एनी या एनी वन कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि एवरी और एवरीबॉडी कुछ भी लिख सकते हैं, सॉरी एवरी वन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि एवरी लिखते थे ना एवरी एवरी वन, उसी तरीके से एनी या एनी वन लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब कोई एक, तो एनी ऑफ अस या एनी वन ऑफ अस, एनी ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम, एनी ऑफ यू और एनी वन ऑफ यू, ये यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, वह है ऑल ऑफ अस। तो ऑल ऑफ अस के साथ जो वर्ब यूज होते हैं वो होते हैं आपके प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब कैसे जानेंगे, देखिए ऑल ऑफ अस डू द वर्क, अगर हम इसमें ES जोड़ देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा, डू में डज बन जाएगा, अभी ये प्लूरल है। हम में से सभी काम करते हैं, ऑल ऑफ अस डू द वर्क। यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल ऑफ अस डू वर्क, लेकिन जनरल सेंस में लिखेंगे, द को हटाना पड़ेगा, तो ऑल ऑफ अस डू द वर्क। ऑल ऑफ अस स्पीक, ऑल ऑफ अस स्पीक मतलब हम में से सभी बोलते हैं। खास करके ऑल का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर में कि बाकी में सबके लिए कोई काम नेचुरल होता है और सभी जो है इक्वल तरीके से उस चीज़ को फ़ायदा उठाता है। फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ अस वॉक, ऑल ऑफ अस स्लीप, ऑल ऑफ अस स्पीक, ऑल ऑफ अस लॉफ, और बहुत कम ही ऐसा व्यक्ति होगा, रेयर ऐसा व्यक्ति होगा दुनिया में जो लॉफ नहीं करता होगा, और स्लीप तो लगभग हर एक कोई करता है। तो इसलिए ऑल का यूज़ वहाँ करें जहाँ पे जनरली सभी के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है आपका बोथ ऑफ अस। तो बोथ ऑफ अस मतलब हम में से दोनों, मैंने बताया था इसका यूज़ प्लूरल वर्ब में किया जाता है, ठीक है। हमने बताया था कि आइदर का यूज़ दो में से एक, नाइदर का मीनिंग दोनों में से कोई नहीं, और बोथ ऑफ का मीनिंग दोनों। तो बोथ ऑफ अस मीन्स हम में से दोनों, बोथ ऑफ देम मीन्स तुम में से दोनों, ठीक है। ऐसे यूज करेंगे और इसका यूज करेंगे प्लूरल वर्ब्स में। इसके बाद नेक्स्ट है नन ऑफ अस। देखिए नन ऑफ अस सिंगुलर वर्ब में यूज करेंगे, वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, हम में से कोई भी कक्षा में उपस्थित नहीं था, नन ऑफ अस। ध्यान दीजिएगा ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में, नन ऑफ यू, नन ऑफ अस, नन ऑफ देम, नन ऑफ माय फ्रेंड्स, नन ऑफ यू, जो मैंने अभी बताया है, ये हमेशा ये आपके ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो नन ऑफ अस वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नन ऑफ अस इज प्रेजेंट इन द क्लास, नन ऑफ अस यहाँ पे लिखेंगे हैज, नन ऑफ अस हैज बुक्स, हम में से किसी के पास किताब नहीं है, नन ऑफ यू हैज एटिकेट मतलब तुम में से किसी के पास शिष्टाचार नहीं है, एटिकेट मीन्स शिष्टाचार होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको एंड करते हैं, अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, उसको आप करके रखना, ठीक है। और आपको होमवर्क में करना क्या है, तो इसके साथ आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज़ करके, ठीक है। जैसे ईच ऑफ अस से आप दो बना लीजिए, ईच ऑफ एवरी वन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ देम, सम ऑफ अस यू, एनी ऑफ अस एनी वन, जो भी है एनी वन ऑफ अस या एनी ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, बोथ ऑफ अस और नन ऑफ अस, इससे आपको दो दो सेंटेंस बनाना है, टू, और
इसको आप नोटबुक में प्रैक्टिस करिए, या अगर आपके सामने में नोटबुक नहीं है, आप ऐसे ही वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसको लिख सकते हैं। हम सभी कमेंट को चेक करेंगे और कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय देन, टेक केयर।